बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो सम गाइस, ये हमारे पास है मशीन है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास सारी मशीन ही है। चलिए मैं आपको एक एक करके मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। जी ये है फेस पे अप्लाई करने वाली। यहाँ पे इसका चार्जिंग लगती है, यहाँ से ऑन होती है, यहाँ से ऑन होती है, देखें ब्लू ब्लू लाइट चल जाती है इसकी। और ये अगर आपने और मतलब और ज़्यादा बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ा सकती है, अगर आपने कम करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। जी ये मशीन है, ये देखें इसकी ये चीज घूमती है, हमें बस इसे पकड़ना पड़ता है। ये भी मसाज क्रीम है, देखें ये भी थोड़ा गीला है क्योंकि इसके कितने स्टेप हैं बताओ। मैं इसके मैं आपको बताती हूँ स्टेप कितने हैं। एक ये वाला भी है, मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ ये वाला भी, देखें ये वाला भी है और ये वाला भी है। बस ठीक है, ये इसके स्टेप। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली, ये भी वो ही है शायद, नहीं ये भी वो ही, वाओ ये इससे भरी है। तो नीचे इससे थोड़ी भरी मशीन है। इसके ये इसके साथ ये वाला स्टेप है, एक ये वाला इसके साथ स्टेप है और एक ये वाला इसके साथ। नीचे से खोलो, ये नीचे से ओपन होगा, नीचे से इसके अंदर सेल डालने और ये भी मसाज के लिए। देखिए इसे बाहर निकालो ना, चेक कराने कितने सेल डालने हैं। एक, तीन, दो, तीन, तीन सेल इसके अंदर डालने हैं। और अब नेक्स्ट मशीन पे आते हैं हम, नेक्स्ट मशीन है हमारे पास ये वाली ब्लू ड्रायर है। ये जैसे ये बेबी के लिए भी है और ये कैट वगैरह है आप लोगों के पास उसके लिए भी है, ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए यूज हो सकती है। छोटी सी है ये बेबी के लिए भी है, अगर आपने बेबी के लिए रखनी है बेबी के लिए रख सकते हैं। और वो है बड़ी, ये बिग है, स्मॉल और बिग है, ये बिग है और ये है स्मॉल। देखिए ये बिग है, ये बिग है, ये आप अपने लिए यूज कर सकती हैं। और वो स्मॉल ये बेबी के लिए, या आपके पास कोई कैट है डॉग है उसके लिए। ओके ये एक और है, ये बहुत भारी है और काफी बड़ी भी है। ये मैं यूज़ नहीं करती, इस पर डस्टिंग नहीं है, कितनी ज़्यादा ये नहीं धोने वाली, सारे साफ होने वाली है। देखिए इसके बटन भी है, बहुत हैवी है और ये बहुत बालों को हेयर ड्राई करती है, ब्लू ड्राई में यूज होती है। ये देखें ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये निकालो, एक ये इसके स्टेप है, ये देखिए हम इसके आगे ऐसे लगा सकते हैं, ये उससे बड़ी, बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है। ये इसके बटन है, ब्लू ड्राई है मेरे पास, देखिए उसके बटन, ये साथ आगे कंघी लगी, आप ब्लू ड्राई कर दे और साथ कंघी करें। इसके बगैर भी है साथ, इसका दूसरा भी स्टेप, ये हमारा दूसरा स्टेप है इसका। मेरे पास चार ब्लू ड्राई है जिसमें सबसे बड़ी और स्टेप वाली ये है, उसके बाद रेड वाली, उसके बाद वो दूसरी। ब्लू ड्राई के बाद अब आते हैं हम ये कटिंग मशीन पे, ये इससे रेड वाली से थोड़ी छोटी है। क्या लगाया हुआ पड़ी इसके ऊपर? पता नहीं, वो अंदर काफ़ी पड़ी रहती है ना, आप यूज भी नहीं करती है उनको। नहीं जेल वगैरह लगी थी कुछ, हाँ मुझे लगता है ये रेशम ने यूज़ किया है, प्लास्टिक को इसलिए लगाया है।
राट करते टाइम तो इसे नीट नहीं किया, ये देखो सारा ख़राब किया इसने। ये है एक, ये है बस छोड़ दो ना खोलो, एक ये है राड और एक ये बस, मेरे पास ऐसे दो सेट है राड, ये इसमें तीन सेट होते हैं, इस आगे मेरे पास दो सेट पड़े राड करेंगे। और ये वाली भी, ये एक स्ट्रेटनर है, ये निकालो सारे सामने, ये वाला भी है फुल, ये भी है और एक ये वाला भी है, और ये एक ओल्ड कलर आया है कर्लिंग वाला, ये दो जरा खराब हुए थे मैंने, ये ओल्ड कलर आया कर्लिंग वाला, एक ओल्ड कलर आया है, देखिए तीन स्ट्रेट है और ये तीन राड, राड वाले इसमें डालो ना एक से, ये तीनों कवर हो गए और ये तीन स्ट्रेट है, प्रिंटिंग स्टेट प्रिंटिंग एंड ये देखिए, ये देखिए आप प्रिंटिंग होती है, और ये वाली ये आजकल जो फैशन में चल रही है प्रिंटिंग करने की स्टेप वाली है मेरे पास, इसके ये निकल जाते हैं अंदर से ऐसे स्ट्रेट लग जाता है, इसके स्टेप चेंज होते हैं, और ये ब्लू ड्राई में ही शामिल होती है राड वगैरह डालने के लिए, ये जो गोल गोल वाले राड नहीं होते वो डालती है तो, इसको भी साइड पे कर देते हैं। ये है मेरे पास कटिंग मशीन, आराम से मैंने चीज़ें बहुत इस्तेमाल इस्तेमाल के रखी हुई हैं, यूज़ बहुत कम करती हूँ। ये लेज़र मशीन है फेस पे करने के लिए, जैसे जाना इमरजेंसी है यहाँ से, जरा मुझे लगता है इसके अंदर सेल्ड होने वाले हैं या चार्जर होने वाली है, वो तो होना ही स्टेप खुलते थे। अच्छा इसको बस रख दें, और एक ये मशीन है, ये मशीन इस तरह के नग लगे हुए हैं बालों में लगने के लिए, ऐसे स्टाइल में उसके अंदर और मशीन भी है, ये आप इसको खोलो, ये देखिए ये ऑन कौन सकती है, ये भी आंटी यूज नहीं करती है ना, हम भी यूज़ नहीं करते, ये देखें इसके अंदर हमने अपनी एक लट डाली होती है, ये सारे मोती लग, और इसके अंदर भी मेरी मशीनें हैं, ये कटिंग मशीन है जेंट्स की जो होती है ना, जैसे इसके स्ट्रैप और तारे वगैरह हैं इसके अंदर, ये देखें एक ये वाली है, बाकी इसके चार्जर वगैरह हाँ इसके, बाकी ये एक कोरकल वाली निकल आई है, देखें ये काफ़ी छोटी है, ये था हमारा काम मशीनों के लिए, ओके फिर अल्लाह हाफिज़।